हाँ जी, सत श्रीकाल जी सारिया नूं, ते लो जी स्वागत है नवें ब्लॉग दे विच। ते ब्लॉग अपना एक दिन बाद आ रहा है, कल ब्लॉग नहीं सी शूट किया, ते रीज़न तुहानूं बाद चो दसांगा मैं। फिलहाल अज दा ब्लॉग आपां स्टार्ट करदे आं। ते जिद्दां कि मैं तुहानूं आख्या सीगा कि सैटअप टूर आपां शूट करांगे, वैसे ते कल ही सैटअप टूर आपां शूट करना सीगा, ते पर कल कुछ प्रॉब्लम सी इस करके शूट नहीं होया। ते हुण आपां स्टार्ट करदे आं अपना सैटअप टूर, उस दे नाल ही अपना ब्लॉग मैं स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो इतने काफ़ी ज़्यादा खिलारा है, जिदा वेख लो तो समान वगैरह खिल रहा पाया सारा। तो फिलहाल मैं सारा चकदा वा इतों, ठीक है, जिथे जिथे भी ये समान पिया हों उत्थे रखते हैं ताकि सैटअप टूर आप स्टार्ट कर सकीए। उस तो इलावा जे आप जिदा एल ई डी लाइया से वेखो उत्ते भी लमकन दई ने, तो मैं बड़ी बार इन टेप ला के वेख लिया, पता नहीं की चक्कर है, रुक नहीं कुछ धक्के डिग पैदा। चलो एक बार दोबारा फिर अटैच करते हैं इनू, ठीक है, उत्थे मैं लाना वा, तो सैटअप टूर जरा फिर स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, कैमरे तो शूट करना आप, तो बाकी मैं उस मुते स्विच करदा एक बारी, सारी साफ सफाई तो सारा सैट करदा वा, उस तो बाद फिर सैटअप टूर करांगे आप। ठीक है जी, लो जी साफ सफाई करती है सारी। ठीक है, जिहड़ा समान जिथे रखना से सारा धरता है, सैटअप अपना तैयार है टूर वास्ते, पर प्रॉब्लम जिदा कि आदि रही है। हुण मौके से बाहर हो रही है बारिश, नाले चल रही है नेरी नाले चल रही है नेरी बहुत ज़्यादा तेज, तो लाइट हुण है नहीं गी मौके से, तो लाइट नहीं गी, एसी नहीं चलता पाया, इस करके पखा चला पैन दिया, पखे का साउंड है बहुत ज़्यादा, इस करके सैटअप टूर बहने हूँ। एक बार 15-20 मिनट रुकांगे, नाले तो लाइट नूं डीकदे आ, लाइट आ जूगी तो एसी चल जूगा, पखा बंद हो जू, फिर आप टूर स्टार्ट कर देंगे। अज आप कर देना टूर कुछ हो जाए, ठीक है, अज शूट कर देना क्योंकि सारा काम सैट हुण कीता होया एक बारी, तो अज करके फिर सवेरे नवे प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे आप। ठीक है, तो कैमरा वगैरह मैं कढ़ लैना वा, उन्दे च मैमरी कार्ड पा के एकदम ओके होके बह जाने जदों थोड़ा जिहा बाहर, जिदा नेरी भी काफ़ी तेज़ चल रही है, तो इन्दे ते इन्ना साउंड तुहानूं नहीं आ रहा, पर जदों आपां कैमरे ते माइक लाउने आ ना वो बहुत ज़्यादा साउंड कैप्चर करता है, जिदा मेरा भी बहुत ज़्यादा साउंड कैप्चर करेगा, तो आसे पासे भी जिहड़ा भी साउंड होगा वो भी बहुत ज़्यादा कैप्चर करेगा। इस करके मैं वेट कर रहा, मैं क्या बाहर नेरी थोड़ी जी घट जाए हवा, तो आप पखा बंद कर लीए, लाइट आ जूगी, एसी चल जूगा, तो फिर ही आप टूर अगे कंटिन्यू करांगे। ठीक है जी, बाकी चलो वेने किन्ना कु टाइम होर लगेगा, तो उस तो बाद फिर आप टूर शुरू कर देंगे। A few moments later. Finally मौसम हो गया सैट, सैट हो गया सैटअप खा लेना आपको। ठीक है, मौसम ठीक हो चुका है, तो बस हवा चलन दी है ठंडी, लाइट तो चलो आई नहीं गई, लाइट आई सी बेच फिर तुर गई है, पर आप काम शुरू कर दे अपना टूर वाला ही। तो सब ना पहला जी सब ना जरूरी चीज़ है जिंदा काफ़ी टाइम तो लंबे समय तो इंतजार किया जा रहा है, अपना कैमरा, कैमरा आप कट लेने आ रहा कैमरा, तो लेंस आप इन यूज़ करते हैं 18-55 वाला, क्योंकि दूजा जोड़ा लेंस है जो आप यूज़ करते हैं उन्हें क्वालिटी तो बहुत वधिया आती है, पर जिमें अपने कमरे च रिकॉर्डिंग नहीं होनी हो, जिमें जो आप इतने शूट करना है इस थान पर, तो आपां पिछे स्पीकर कोल कैमरा रखना पेगा इन्नी दूर, फिर जाके मसा शकल शकल आऊगी, क्योंकि वह थोड़ा दूरों रिकॉर्ड करता है, वह 50 mm है। ठीक है, तो बस आई यूज़ करते हैं, तो जो लेंस है कैमरामैन आप यूज़ करा आ रहा आपके काम च लगा हुआ। ठीक है, तो ऑडियो वास्ते आप यूज़ करते पे हाँ अपना माइक आई बोया वाला, तो वैसे तो पहला मेरी सलाह थी लम्मी तार वाला यूज़ करते हैं,
ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਡੀ ਲੰਮੀ ਤਾਰ ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇ ਬੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਆਪਾਂ ਲੋ ਮਿੱਤਰੋ ਆਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 64 GB ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਪੀਡ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਜਸਟ ਹੁਣ ਜਿਹੀ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੈ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਓਕੇ ਆ ਮਾਈਕ ਲਾ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟ ਆ ਮਾਈਕ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਮਾਈਕ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨੋਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਔਫ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੈਪ ਹਟਾ ਲਈਏ ਸੈਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਡੀਓ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗੋ ਰਿਕਾਰਡਰ ਮਾਈਨ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਡੀਓ ਪੂਰੀ ਆਊਗੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਕੇ ਆ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ 60 FPS 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫੁੱਲ HD 'ਚ ਅਤੇ ਫੁੱਲ HD ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅਤੇ ਬਸ ਚਲੋ ਮੈਨੂਅਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ A few moments later. ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਵਲੌਗ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਸੈਟਅਪ ਟੂਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੈਸੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨੋਰਮਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਆਈ 7 ਤੋਂ 7:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੰਬਨੇਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਥੰਬਨੇਲ ਵਾਸਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ ਜੀਪ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੈਟਅਪ ਟੂਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੀਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੋਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਪ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਮੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਟਾਇਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ HMT ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਰਸਿਓਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ
60% टायर प्रिंट हो चुके एक ही टायर अजे फस्ट टायर जिहड़ा ओह लाया प्रिंट करना 60% हो गया मैं प्रिंट करके वेना टायर किदां दा प्रिंट होया विच कोई गैप तो नहीं गया क्योंकि इस तो पहला मैं एक टायर प्रिंट किया सेम इसे साइज़ च ते ना वो आपस च जुड़े आने विचों गैप रह गया तो खराब हो गया टायर हुण मैं सैटिंग्स कुछ चेंज करके दोबारा प्रिंट करना लाया बाकी चलो वेने इस बार प्रिंट हुंदा है कि नहीं हुंदा ठीक है जी। तो उस तो इलावा अपने वड्डे ट्रैक्टर की वीडियो भी शूट करनी आप दूसरे चैनल वास्ते तो वह वेने सवेरे उठ के टाइम नाल शूट करते हैं क्योंकि ना ये ट्रैक्टर च थोड़ा जहा प्रॉब्लम आई इन स्टेयरिंग तो पता नहीं कोई नट वगैरह खुल गया वो मैं चैक करता हूँ ला के इन स्टेयरिंग सिस्टम चैक करके इन बैटरी वगैरह चार्ज ला देना तो सवेरे उठ के आप टाइम नाल शूट करांगे इन वीडियो क्योंकि इन अजे कोई वीडियो शूट नहीं की सैटअप अजे तैयार होना नहीं गा मैं लगता हफ्ता एक लगेगा हो सकता ज़्यादा ही लग जाए तो वीडियो तो आप शूट करनी पैनी है तो इस करके सवेरे फिर आप वीडियो शूट करांगे इन ट्रैक्टर की फस्ट लुक एक बार विखा देंगे चला के ट्राली ट्रूली पा के इदा के कुछ वैसे तो JCB के नाल थर्ड पार्ट भी आना इंदा तो वो चलो बेना मैं ट्राई करा जो सवेरे शूट हो गया तो आप सवेरे कर लाँगे तो नहीं तो कोई ना कोई जगाड़ते लावे इदा का तो फिलहाल मैं ट्रैक्टर ला लेना थले वजन भी काफ़ी ज़्यादा आता वैसे तो बाकी वजन का मैं अंदाजा नहीं गा कि है फिर किस दिन तोल के फिर तुम दसागा कि वजन कि टोटल तो आखो इतों नाट खुल कहता ठीक है बाकी चलो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं गी नाट अपने को रह गया नाट आप कस देने फिर ओके आ ठीक है जी बस निक्की जी प्रॉब्लम सी नाट कसना है नाट आप कस देंगे सवेरे अपना ट्रैक्टर रेडी है वीडियो शूट वास्ते तो बैटरी भी इन्हें फुल चार्ज है कोई प्रॉब्लम नहीं गी बैटरी एक हो रहेगी वो भी चार्ज मैं ला देना ताकि सवेरे कोई प्रॉब्लम ना आए अपन तो उस तो बाद ना ये बस व्हील नू रंग करना बैक वाले नू लाल ठीक है फ्रंट वांगू तो एक दो चीज़ा कवर करने वाली बस उदो बाद ट्रैक्टर अपना रेडी है वैसे ट्रैक्टर तैयार ही आप इदा ही शूट कर लाँगे अगे जो चेंजेस करने आने वाले टाइम से आप कर लाँगे बाद चो ठीक है जी। तो चलो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कोई ज़्यादा लम्मा चौड़ा काम नहीं सीगा छेती निपट गया तो फिलहाल इधर प्रिंटर चलन दिया अपना ये वेखो हुण किन्ने चिर तक चलता है क्योंकि एक टायर नूं प्रिंट करन च इन्हें 2.5 घंटे लैने आ तो फिलहाल एक टायर प्रिंट हो गया दूजा टायर भी आप प्रिंट करना ला देंगे हुणे रातों रात प्रिंट कर देने टायर आप तो सवेरे फिर वेखांगे क्योंकि सैटअप टूर अपना इधर ला तो फिनिश हो गया फस्ट पार्ट ठीक है आप इतने काम शुरू कर देंगे तो सैकेंड पार्ट अपना आ जिहड़ा आना आ पोर्शन का वो फिर आप बाद शूट कर लाँगे ठीक है बाद मतलब भी एक दो दिन बाद आप शूट कर लाँगे ज़्यादा टाइम नहीं लाते अपने सैटअप च ठीक है। तो बाकी मैं कैमरे तो शूट करना ट्राई कराँगा अगे तो व्लॉग ठीक है मैं ट्राई करता वो वाइड एंगल लेंस लैके आना कैमरे का तो वैसे तो अपना फोन भी वाधू है फोन की क्वालिटी बहुत वधिया माड़ा नहीं गा बाकी मैं ट्राई कराँगा अगे क्योंकि ना मैं अज जिवें टूर वाली वीडियो एडिट करता पाया लगभग टूर वाली वीडियो बनी सी 45 मिनट की ठीक है टोटल क्योंकि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट से जोड़े कट्टने से तो मैं जो उन्होंने एडिट किया ना पूरी 45 मिनट की वीडियो एडिट कर एक बार भी फोन लैग नहीं आया तो ना ही जोड़ा सॉफ्टवेयर है वो रीस्टार्ट होया ठीक है पर नॉर्मली जे मैं इस फोन चो शूट की वीडियो इन्नी लम्मी मेरे फोन दे विच जे मैं एडिट करता ना तो कम से कम मैं 5 तो 6 बार मेरा फोन ना रीस्टार्ट करना पैना सीगा इन्ना फोन लैग करना सीगा हुण पता नहीं की रीज़न है कि DSLR तो बनी वीडियो वैसे तो उनकी फाइल साइज़ भी वड्डा हुंदा है ठीक है क्वालिटी भी ज़्यादा हुंदी है पर फिर भी फोन लैग नहीं किया DSLR दी वीडियो चो ये मैं पहला भी ये चीज़ नोटिस की सी भी DSLR तो जिन्ना भी शूट की है ना मैं वीडियो फोन नूं पता नहीं लगता बिल्कुल स्मूथली सारा एडिटिंग हो जाती है ठीक है रेंडरिंग बहुत वधिया हुंदी है पर जो तो फोन की ओरिजिनल फाइल मैं चक के एडिट करदा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती मैनू विच तो फिर मैं ही सोचा मैं क्या चलो वेखांगे अगे आने वाले टाइम आप फोन तो घट शूट करांगे कैमरे तो ज़्यादा शूट कर लाँ करा ठीक है जिन्ना चर कोई होर हल नहीं मिलता अपन तो लैपटॉप का हजे कोई छेती चांस नहीं गा लैपटॉप का तो मैं ट्राई कराँगा एक होर फोन है ठीक है सैकेंड फोन लैन का तो बाकी चलो अगे पता लग जूगा किवें करते हैं तो फिलहाल तो प्रिंटर चलन दे उस तो अलावा होर कोई काम नहीं गा अपन हूँ मौके पर मैं एडिट कर चुका वहाँ अपना सैटअप टूर अपलोड हो चुका है फोटो सवेरे खिंचांगे ये काम सारा डन है आह ब्लॉग मैं सवेरे एंड कराँगा सवेरे फोटो खिंच के उस तो बाद ही एंड कराँगे आप ब्लॉग तो सवेरे फिर मैं एडिट करके अपलोड कर दाँगा ठीक है एक दिन में आया नहीं कल ब्लॉग कल थोड़ा काम से इस करके ठीक है जी। चलो मैं इधर ध्यान देना प्रिंटर से ठीक है प्रिंटर चलन दे अपना तो एक दो चीज़ा होर भी ना मैं डिज़ाइन कर दाँ कंप्यूटर के उत्ते तो उस तो बाद फिर मिलता मैं तुम्हें भी हाँ सीधा सवेरे मिला वा जो मूड किया तो रात भी आप ब्लॉग कर लाँगे ठीक है जी।
2000 years later. ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਉਹੀ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਆ ਸੰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵਲੌਗ ਮੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਟੂਰ ਵਾਲਾ ਉਸਦੇ ਥੰਬਨੇਲ ਵਾਸਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਅਜੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁਣ 7 ਵੱਜ ਗਏ ਪੂਰੇ ਅਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਥੰਬਨੇਲ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਸਟ ਹੁਣ ਅਜੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਬਲਿਕ ਕਰਕੇ ਡਿਆ ਵਾਂ ਥੰਬਨੇਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਥੰਬਨੇਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਵਲੌਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥੰਬਨੇਲ ਖਿੱਚਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਵਲੌਗ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਵਲੌਗ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਲੌਗ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਬਾਏ ਟਾਟਾ।